हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का व्लॉग, आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। या हो सकता है इस व्लॉग से पहले जो सरप्राइज है, जो गुड न्यूज है, मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, अगर मैं अपलोड कर चुकी होंगी तो उसका लिंक मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो होगा ही, या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगा आप जब जाएंगे वीडियोस वाले टैब पर, तो आप चेक कर लीजिएगा उसे। और मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। कहाँ जाना है तो बता दूंगी मैं आपको, इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज। वैसे तो मैंने काफी ढेर सारे इंटरव्यूज दिए हैं स्कूल में, तो वाइवा होता था हर प्रैक्टिकल के बाद, तो वाइवा भी दिया है, आप लोगों ने भी दिया होगा। इतनी नर्वस तो मैं नहीं हुई कभी पहले। और जॉब के लिए भी मैंने काफी ढेर सारे इंटरव्यू दिए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती ही है हर इंटरव्यू में, बट फिर भी उतनी नहीं होती थी। बट आज का जो इंटरव्यू है उसके लिए मुझे काफी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो क्योंकि मेरी लाइफ का ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। जस्ट सोकर उठी थी मैं, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग स्टार्टिंग से शूट करना चाहिए। और मेरा डेली रूटीन तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होते हैं, अदरवाइज वो सेम ही रहता है। तो प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो वही सारा है, हाउस क्लीनिंग एंड डस्टिंग, मैं ये सब काम करूंगी। और फिर छोटे मोटे और भी काम रहते हैं मुझे, पौधों में पानी देना है, ऊपर छत पे जाके चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना है, ये सारा काम। और ब्रेकफास्ट भी मैं देख लूंगी क्या मुझे बनाना है, कुछ हल्का फुल्का ही रखूंगी, लाइट सा। वैसे तो आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है सीरियसली, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ी सी नर्वस मैं हूँ, तो ऐसा हो जाता है ना जब आपका एग्जाम भी होता है, तो भी मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था जब मैं एग्जाम देने जाती थी। हाँ, पेपर देने के बाद या तो स्कूल या कॉलेज में मैं कैंटीन में बैठ के कुछ खा लिया करती थी, या तो घर आने के बाद तो फिर टूट पड़ती थी खाने पे। और सेम कंडीशन अभी मेरे साथ हो रही है कि मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा, कुछ इच्छा नहीं हो रही मुझे खाने की। और थोड़ा सा लेट सो के उठी हूँ मैं, कल रात में मुझे नींद भी आ रही थी कि किस तरह से जाएगा मेरा इंटरव्यू, क्या मुझसे पूछेंगे, मैं किस तरह से बोलूंगी, और लगता है हर चीज है कि किस तरह से क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल ही टोटली नया है मेरी लाइफ में, ऐसा कुछ पहली बार ही हो रहा है। तो हालांकि जो भी चीजें हैं वो मुझसे पूछेंगे, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई ही पूछेंगे, तो मुझसे बेटर और कौन बता सकेगा, बट स्टिल मैं नर्वस हूँ। ओके गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और उन्होंने 12 बजे का मुझे टाइम दिया था, 12:15 मुझे यहीं पे हो गए घर पे। आई नो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, और मुझे टाइम से पहुंचने की आदत है, बट आज शायद मैं ना पहुंच पाऊँ टाइम से, हो सकता है 12:05 या 12:10 तक मैं पहुंचूँ। और इस तरह का लुक मैंने क्रिएट किया है, सिंपल मैंने बीबी क्रीम अप्लाई की थी, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जो मैं सीडीएम करती हूँ अपना, वो था स्किन केयर रूटीन, एंड मस्कारा है, काजल है। बीबी क्रीम को मैंने सेट कर लिया था यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर, स्टिक वर्की का कॉम्पैक्ट मैंने यूज किया था। और ये मैंने न्यू लिपस्टिक परचेज की है मेबेलिन की, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राउन न्यूड शेड है, एंड एवरी डे काइंड ऑफ शेड है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और ये ड्रेस मैं आपसे शेयर कर दूंगी मेरे हॉल वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, या जब तक मैं इस व्लॉग को लाइव करूंगी वो हॉल वीडियो पहले आ चुका होगा, आई थिंक सो। तो मैं निकलती हूँ, काफी ज्यादा ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कितनी सारी चीजें मैं आपके लिए वहां पे कैप्चर कर पाऊँ, काफी सारी मैं कोशिश करूंगी वीडियो क्लिपिंग्स शूट करने की वहां पे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ किस तरह का मेरा इंटरव्यू, या जो भी कुछ होने वाला है मेरे बारे में वो जानना चाहते हैं। तो निकलती हूँ मैं, बाय। ऑलराइट, तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। जितनी कुछ क्लिपिंग मैंने शूट की थी बहुत ही कम शूट कर पाई थी, क्योंकि मैं काफी जल्दी में थी, मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी जो भी सेगमेंट हमें कंप्लीट करना था वही निपटाया हमने, और काफी अच्छा लगा मुझे वहां पे जाके। ये मेरे कहूँ तो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि इस तरह से मैंने कहीं इंटरव्यू दिया अपना ऑन एयर आई में, और मुझे काफी अच्छा लगा। मैं हमेशा से सुनती थी एफएम, मुझे काफी अच्छा लगता था सुनना, बट पहली बार उसमें मेरी आवाज होगी तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, एंड इन सब का क्रेडिट जाता है आप लोगों को। गाइज, अगर आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, इतना कुछ मुझे नहीं मिला होता तो इस कंडीशन में मैं नहीं होती कि अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर पाऊँ एक एफएम के थ्रू। तो ओके, तो अभी इंट्रो पार्ट उन्होंने रिकॉर्ड किया था एंड वीडियो शूट हुआ था हमारा, उसी क्लिपिंग मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगी, एंड आई गेस इस व्लॉग के पहले ही मैं आपसे शेयर कर चुकी होंगी
और इस सरप्राइज को मैं सरप्राइज ही रखना चाहती थी, रिवील बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आई नो जब आप लोग को पता चलेगा आप लोग भी बहुत खुश होंगे मेरे साथ साथ. तो इसलिए मैंने नहीं बताया था कि एक सरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि मैं आपको सरप्राइज दूं. तो इंट्रो पार्ट हो गया है. अभी उन लोगों को जानना था कि किस तरह से मैंने चैनल स्टार्ट किया, क्या आइडिया था मेरे माइंड में इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे, किस तरह से मैंने इस चैनल का नाम रखा. सो ये सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी, क्या स्ट्रगल आपको करना पड़ा. तो ये सारा कुछ हो गया है एंड उन्होंने मुझे बुलाया है बाद में भी. तो लेट्स सी कब वो मुझे बुलाते हैं एंड हो सकता है उस टाइम में कुछ वहां पे मैं शूट कर पाऊं आप लोगों के लिए. एंड देखते हैं कब मैं ऑन एयर आती हूँ, कब मेरा इंटरव्यू ऑन एयर आता है. सो गाइज मैं घर आ गई थी लंच के बाद, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी और उसके बाद मैं आई हूँ रेडी होके. ये मैंने न्यू कुर्ती ली है. तो लुक बुक शेयर करना था मुझे आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम के लिए, काफ़ी चीज़ें पोस्ट मुझे शूट करनी थी तो मैं इसके लिए आई हूँ. और इस येलो ड्रेस का काम हो चुका है, मुझे नेक्स्ट ड्रेस भी पहन के आना, उसमें भी मुझे फोटो शूट कराना है. तो मैं जाती हूँ घर, वापस से रेडी होके आती हूँ यहाँ पर. सो गाइज ये ड्रेस था जिसमें मैंने फोटो शूट कराया है अभी, और मामा ने ही मेरा फोटो शूट किया है. और इस प्लेस पे हमारे यहाँ पे घर पे भी काफी अच्छे पेड़ पौधे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें ही यूज कर लिया जाए और फोटोग्राफी में काफी अच्छे आएंगे. बट यहाँ पे बंदरों ने आतंक मचा दिया है, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से. और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ बैठे बंदर जो इधर उधर से चल फिर रहे हैं. मैं खुद थोड़ा सा घबरा रही हूँ ये व्लॉग शूट करने में. बस फिर आऊंगी, किसी दूसरी जगह पे जाऊंगी. मैं जा रही हूँ घर, ड्रेस चेंज करके फिर आऊंगी वापस. तो आपने देखा कितनी भाग दौड़ होती है यूट्यूबर की लाइफ में, और स्पेशली अगर इस तरह का हो, लुकबुक बनाना हो आपको आउटडोर जाके, तो आउटडोर शूटिंग अगर हो तो. मैं घर पहुंच चुकी हूँ अभी, और काफी जल्दी जल्दी मैं आई हम लोग वहां से दौड़ लगा के, क्योंकि मुझे ये लगा कि कहीं बंदर हमें दौड़ा ना दे या फिर फोन छीन के ना भाग जाए, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे कांड हो चुके हैं पहले. एंड शिमला व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था, शिमला में बहुत ज्यादा फेमस है जाकू टेम्पल जो कि हनुमान जी का है, और वहां पे बंदर इतने सारे रहते हैं और मेरी चप्पल चुरा के भाग गए थे वो लोग, और उनके पीछे पीछे मैं दौड़ी तो मैं गिर गई थी, और उसने बंदर ने मेरी चप्पल चबा दी थी. एक्चुअली बहुत कोशिश के बाद भी जब मुझे लगा कि अब मिलने से रही, तो मुझे ऐसे ही आना पड़ा नंगे पैर वहां से दौड़ के. तो काफी सारे केसेस हुए हैं. और मैं पहले गांव में रहती थी, मेरी स्कूलिंग पूरी गांव से हुई है, वहां पे भी ढेर सारे बंदर हुआ करते थे. तो आए दिन कुछ ना कुछ वो उत्पात मचाते रहते थे, तो कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा होता ही रहा था. तो मेरे काफी खराब एक्सपीरियंस रहे हैं. तो मैंने सोचा कि इससे पहले कोई भी घटनाक्रम हो वहां पे, कुछ भी घटे, बाहर निकल लो, चल दो वहां से. तो बस मैं चेंज करती हूँ हेयर स्टाइल वगैरह, मेकअप मैं सेम ही रखने वाली हूँ, तो हो जाती हूँ रेडी जल्दी से. ओके सो मैं रेडी हो गई हूँ अनदर ड्रेस में, और मैं निकलती हूँ जल्दी से फटाफट, क्योंकि 6:15 बज चुके हैं, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, डे लाइट जाने वाली है, एंड डे लाइट में काफी अच्छी फोटोज आती हैं, तो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ. मिलती हूँ आपसे. और वहां पे कोई वॉशरूम वगैरह भी नहीं होता है, या कहीं चेंजिंग रूम ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं होती कि मैं ड्रेस चेंज कर सकूं, तो अपने साथ 2-3 ड्रेसेस मैं लेके जाऊं, इसलिए मुझे बार बार घर आना जाना पड़ता है. तो इस तरह की शंटिंग करते करते मैं ऑलरेडी थक चुकी होती हूँ काफी. ओके बातें काफी ज्यादा करती हूँ मैं, आती हूँ लौट कर. ओके तो सारा काम मेरा फिनिश हो गया, जैसा कुछ मैंने प्लान आउट किया था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं. अब मैं काफी खुश हूँ, और काफी अच्छी हवा भी चल रही है, तो मैं काफी इंजॉय कर रही हूँ इस ठंडी ठंडी हवा को और इस ग्रीनरी को. और ये रही मेरी फोटोग्राफर, मेरी मामा, आपको पता है वो भाग रही है कैमरे से, इसलिए देख नहीं रही है इस साइड. तो शाम हो गई है, मैं निकलती हूँ घर के लिए, और मे बी नेक्स्ट डे मैं कुछ लोकेशन सर्च करूंगी अपनी फोटोशूट के लिए. और प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिएगा मुझे, काफी ज्यादा मेहनत लगती है कोई भी लुक बुक क्रिएट करने में या किसी सिंपल वीडियो को भी क्रिएट करने में. तो हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को और मुझे देते रहिएगा. ऑल राइट मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, काफी रिलैक्स लग रहा है मुझे, और मार्केट जाऊंगी अब अभी थोड़ी देर से. मामा कुछ थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह रेडी कर रही है, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी, तो कुछ खा पी के थोड़ी पेट पूजा करके मैं जाऊंगी. एंड अभी मैं गई रूम, तो गर्म तो वैसे ही रहता है वो काफी ज्यादा, बट इतना ज्यादा फैल चुका है, कि मुझे समझ में नहीं आता कि हर दिन ही रूम फैला रहता है. बार बार जमाती हूँ फिर फैल जाता है, फिर जमाती हूँ फिर फैल जाता है, तो हर दिन का यही किस्सा रहता है मेरे साथ. और मैं अपना रूम आपको दिखा चुकी हूँ किस तरह से फैला रहता है वो. तो नाइट टाइम में मैं उसे क्लीन करूंगी, जितना जो फैलाया रखा है मैंने सारा कुछ जमाऊंगी. और जब भी कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना रहता है, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स निकल के बाहर आते हैं, मेकअप ब्रशेस, मिरर, एटसेट्रा, ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत मेस हो जाता है, एकदम मेस मच जाती है वहां पे, फैल जाता है काफी ज्यादा.
और जब लुक बुक शेयर करना हो, इस तरह के फोटोशूट वगैरह हो, तो भी काफी ज्यादा फैल जाता है, क्योंकि मैं एक डे चूज करती हूँ और फिर दो तीन ड्रेसेस में जाके बनवा लेती हूँ। तो आपने देखा किस तरह की शंटिंग होती रहती है मेरी, तो बस यही चलता रहता है इसी तरह की एक यूट्यूबर की लाइफ। ओके, मार्केट से लौट रही थी तो मुझे मेरी एक फ्रेंड की याद आ गई, और वो मेरी फ्रेंड भी है, दीदी भी है, तो मैं उनसे मिलने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। और मुझे काफी अच्छा लगा उनका ये अरेंजमेंट, ये उनका ड्रेसिंग टेबल के पास वाला है, तो ये सारे उनके मेकअप स्किन केयर रखे हुए। और मैं आलू बंडे लेके आ गई थी वहां से, तो आलू बंडा पार्टी होने वाली है यहाँ पे। आलू बंडा भी कहते हैं, आलू बड़ा भी कहते हैं, बटाटा बड़ा भी कहते हैं, तो आपकी सिटी में आपके यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे काफी अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जानना डिशेज का। तो चलिए मैं आलू बंडे एंजॉय कर लेती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। फाइनली मैं घर आ गई हूँ और इत्मीनान से बैठी हुई हूँ। काफी अच्छा लग रहा है, इतनी देर बाद बैठी थी, मुझे काफी सुकून मिल रहा है, जब से घूम फिर रही हूँ मैं। और रास्ते में मुझे मोमोज खाने की काफी इच्छा कर गई, तो मैं मोमोज लेके आ गई हूँ मार्केट से। और लग रहा होगा ना आपको मैं काफी ज्यादा चटोरी हूँ। हाँ सीरियसली मैं काफी ज्यादा चटोरी हूँ, ये चटर बटर खा के शायद मैं आज अपना पेट ना भर लूँ कहीं, डिनर की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो चलिए फिनिश कर लेती हूँ मोमोज। और ये रहे मेरे गर्मा गर्म मोमोज, मैं इसे रख के ले गई थी पैक करा के, तो इनका शेप थोड़ा बिगड़ गया है, बट इट्स ओके। सो गाइज, मैंने मोमोज फिनिश कर लिए थे और मेरा पेट काफी ज्यादा भर गया है, तो आज का जो डिनर है मैं स्किप करने वाली हूँ। और मेरी मामा काफी ज्यादा नाराज हो रही है कि चटर पटर खा के अपना पेट भर लो, तुम खाना बस मत खाना। और इन्हीं समय तुम्हारा ज्यादा मन लगता है, यही सब चीजें ज्यादा पसंद आती, खाने पे तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। मैं खाना भी खाती हूँ और कभी कभी इस तरह के फास्ट फूड हो जाते हैं, जंक फूड्स वगैरह। और आज काफी खुशी का मौका था क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। ऐसे तो मैंने काफी ढेर सारे इंटरव्यू दिए हैं, मैंने आपसे शेयर किया, बट FM के लिए ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का, तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है। और मैंने अपनी पसंद की चीजें खाई है, तो हो गई पार्टी मेरी। तो बस अब मैं क्या करूंगी, मैं बस यही करूंगी कि जो मेकअप था वो अच्छी तरह से मैं रिमूव कर लूंगी, क्योंकि लिपस्टिक थी वो वाइप ऑफ हो चुकी है, मैंने मोमोज वगैरह भी खाए थे इस वजह से। एंड मेकअप रिमूव करने के बाद मुझे आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस एडिट करने हैं, पेंडिंग पड़ा था मेरा काम, तो मैं वो वीडियोज मैं एडिट करूंगी, क्योंकि काफी टाइम से मेरे वीडियोज लाइव नहीं आ रहे हैं, तो वही मुझे लग रहा है। एंड ऑलमोस्ट 4-5 डेज का गैप हो गया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, रेगुलर रहूँ। एंड आप में से काफी लोग को पता है कि मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं कर पाती हूँ और मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं रहती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर। और जैसा कि जॉब का मैंने आपसे शेयर किया, तो अभी मेरा काफी सारा टाइम डे का वहां ज्यादा जाता है, एंड जो रेस्ट बचता है मैं अपने स्टडी के लिए रखती हूँ और यूट्यूब के लिए रखती हूँ। तो कभी शूट कर लिया, कभी एडिट कर लिया, तो बस यही सब चलता रहता है। एंड बस दैट्स इट, आज के लिए मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को यहीं एंड कर दूं, क्योंकि बस मैं एडिट करने के बाद सो जाऊंगी। एंड आई नो अभी 11:30 बज गया है और मुझे एक तो बची जाएंगे। मैंने बीच में एक कोशिश की थी कि मैं जल्दी सो जाया करूं, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना रहता है तो नींद पूरी नहीं हो पाती है, बट ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, अर्जेंट काम आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसा लगता है कि काम जो ज्यादा जरूरी है प्रायोरिटी बेसिस पे, तो उन्हें निपटा लिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी गैप हो रहा है यूट्यूब वीडियोज के लिए, तो एडिट कर लेती हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।